श्रावण मास के तृतीय सोमवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति सपा नेता राजपाल यादव एवं जेपी यादव के परिजनों द्वारा श्री रावली महादेव मंदिर पर भव्य फूल बंगला एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं सहित इष्ट मित्रों ने भगवान शिव के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। वही कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के प्रसिद्ध प्राचीन श्री रावली महादेव मंदिर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति राजपाल यादव और जेपी यादव कॉन्ट्रैक्टर एडीए द्वारा विशाल भंडारे एवं फूल बंगले का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने वालों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा विभिन्न दलों से जुड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने भी विशाल भंडारे में मौजूद रहकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने वाले पहुंचे श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। उन्होंने यादव परिवार का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाने वाले और दयालु है। उनका सौभाग्य है कि उन्हें श्रावण मास के पावन पर्व पर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। सपा नेता राजपाल यादव द्वारा आयोजित श्री रावली महादेव मंदिर पर फूल बंगला एवं भंडारे में शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम गत वर्ष की भांति प्रतिवर्ष सावन के तीसरे मास तीसरे सोमवार को भंडारे का आयोजन कराते हैं। पिछले से हम 19 वर्षों से भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। ये हमारा 20वां भंडारा है। हम प्रभु से आराधना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे ऊपर सभी भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे भक्तों का कल्याण हो। प्रभु से हमारी यही मनोकामना है, यही इच्छा है। सावन के तीसरे सोमवार पर लगातार हम भोले बाबा रावली महादेव मंदिर पर हर साल भंडारा करते हैं और उनसे जो उनके भक्त आते हैं उन भक्तों को भंडारा वितरण करते हैं और ये प्रभु भोले बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके हर भक्त पर उनकी कृपा बनी रहे, भक्तों के अलावा हम पर भी कृपा बनी रहे, अपना और हमारे पूरे परिवार बनी रहे, पूरे गांव पर बनी रहे, पूरे क्षेत्र बनी रहे और हमारी पार्टी भी बनी रहे। ये भोले बाबा से ऐसी हम पूरी कामना करते हैं। निश्चित तौर पर उनके हमारी मनोकामना को भोले बाबा पूरी करेंगे और उन्हें पूरी इसी उपलक्ष्य में आज हम लगातार ये भंडारा करते चले आ रहे हैं और लोगों को प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।